हेलो दोस्तों, मेरा साथी दादा चौधरी का इनलैंड हसल ISB एग्जाम का यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। जो मेरा साथी, मेरा भाई हो, मेरा दोस्त, फर्स्ट क्लास मोटर इंजन ड्राइवर का एग्जाम, रिटेन एग्जाम देके मुंबई में पास हो गया। अब ओरल का लिए इंतजार में है। अब ओरल एग्जाम के लिए इंतजार में है उन साथियों को जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसका पहले दो वीडियो मैं डाल दिया है और क्वेश्चन जो है वो मैं दे रहा हूँ ओरल का लिए, जो प्रिपरेशन लेता है एग्जाम का लिए ओरल का। देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि एग्जाम का जाने का पहले आपको मन में ऐसा कुछ दुविधा होना नहीं चाहिए, जो ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं, ये क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा क्वेश्चन आता नहीं मुझे आंसर उसका, ये आपका मन में दुविधा नहीं होना चाहिए। मेरा जो 35 ईयर्स का मेरा जो सर्विस में मेरा जो अनुभव, मेरा जो तजुर्बा, वो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। क्यों मैं आज है, कल तो भाई जिंदा नहीं रह सकेगा। अगर कल इंशाल्लाह, कल अगर हम मर भी जाए तो मेरा कैरावान, मेरा ये गाड़ी कम से कम आप लोग का हाथ में स्टीयरिंग रहेगा, मेरा ये जहाज का स्टीयरिंग आप लोग का हाथ में रहेगा। चैनल आपका है, ये चैनल आपका ही है, चैनल चालू रखना काम भी आपका है। मैं तो भाई रिटायर पर्सन, जो आप लोग पास होने का बाद कम से कम बताना मैसेज देके जो मैं पास हुआ, तो मैं आज एक गर्व से एक बात मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से मेरा दोस्त इंग्लैंड वेसल का एग्जाम दिया था, तो आज उनको एग्जाम था, पास होने का बात मुझे फोन किया था मुश्ताक जी, मुश्ताक अहमद पाकिस्तान से। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने पास करके ही बाहर जैसा आया वैसा ही मुझे फोन किया, तो मैं उनको कंग्रेचुलेशन दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुश्ताक जी से तो मेरा पहचान नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, और वो पाकिस्तान से देख रहा है क्या नहीं देख रहा है ये भी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज फोन करके उन्होंने बताया। जो आपका क्वेश्चन मैं देखता था और मैं पास हुआ, आपका क्वेश्चन आंसर का ये जो भी यूट्यूब में चैनल देखता था मैं पास हो गया। इवन उनको लड़का भी, लड़का का भी व्हाट्सएप नंबर है, उसमें उसको साथ में भी उन्होंने जोड़ने का लिए मुझे नंबर भेजा है। तो ऐसा है, क्योंकि आप लोग पास होने के बाद कब से कब बताओ जो मैं पास हो गया, बताओ भाई। आपको अगर कुछ भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है फिर भी आप कम से कम बताना मैंने पास हुआ करके बताना, इतना बहुत हो गया, बता कौन से कंट्रीब्यूट करोगे तो आपका साथीदार, आपका फ्रेंडशिप, आपका जो कजिन वगैरह जो लोग
आपका तरफ रास्ता देखता है, कम से कम ये यूट्यूब चैनल का दरवाज़ा खुला रहे, क्योंकि काल आज आपको बारी आया, आप पार होके जा रहे हैं, लेकिन काल नदी का किनारे वो लोग खड़ा है पार होने का नहीं। तो आप लोग कम से कम ये सोचना कि ये नेट चार्जेस जो नेट का, आप बाहर जाओगे तो बहुत पैसा खर्चा होता है, आप जहाज़ में काम करते करते कान में डाल के आप सुनते सुनते आपको क्वेश्चन तैयार हो जाता है। नो, छुट्टी लेने का ज़रूरत नहीं किसी का। हम तो बोलते हैं हमारा जितना सैनिक है, हमारा जितना इनलैंड वेसल में काम करने वाला सैनिक है, जो ड्राइवर है, इंजन साइड में काम करता है, इन लोगों को छुट्टी लेने का ज़रूरत नहीं। मेरा वीडियो बैठ बैठ के उधारी ड्यूटी करते करते देखते रहेगा और बाद में एग्जाम को जाएगा, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, मेरा दावा है, दावा से नहीं कह सकता। तो प्लीज आपका मन जो चाहे वो करना। तो लास्ट टाइम में मैं आपको क्वेश्चन दिया था एक, जो ऑयल और ग्रीस, 1 किलो ऑयल 1 किलो ग्रीस, ये दोनों का वजन कितना आएगा, कौन सा भारी होगा? दोनों एक ही होगा, क्योंकि ये फाजिल क्वेश्चन था, एक फाजिल क्वेश्चन था, गुमराह करने का नहीं, बच्चे लोग को क्वेश्चन कर देता। दूसरे इंजन का जो लूब ऑयल प्रेशर गेज में कितना दिखाता है जब इंजन चालू रहता है, आपका लूब ऑयल प्रेशर गेज में कितना दिखाता है? ऑयल प्रेशर डाउन होते जा रहा है, आप देखते 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 आस्ते आस्ते डाउन हो रहा है, तो आप कितना प्रेशर तक चलाओगे, कहाँ तक चलाओगे? होता है, होने दो, दिखा जाएगा क्या होगा, ऐसा है क्या? आपका प्रेशर डाउन होता है, आप इंजन रूम में है, आप फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, समझ लो आप ड्राइवर बन गया, अभी ओरल एग्जाम हो गया और आप पास भी हो गया, चलो हमारा तरफ से। तो आपको प्रेशर डाउन होता है, ये देखते देखते आपका आंखों का सामने प्रेशर डाउन होता है, तो कब तक आप डाउन होने देगा, कब तक आप इंजन चालू रखेगा? बराबर कितना प्रेशर तक चालू रखेगा? आपका जो ट्रिपिंग प्रेशर है, शट डाउन काम करते रहेगा, अभी करेगा काम, जो ट्रिप हो जाएगा इंजन स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये ट्रिपिंग प्रेशर कितना है? दूसरा बात, इंजन तो ट्रिप हो गया, प्रेशर का वजह से प्रेशर लो प्रेशर कंट्रोलर काम करना काम किया, वो इंजन ट्रिप बंद पड़ गया। अभी इंजन बंद पड़ गया तो अभी आप क्या करोगे? क्यों प्रेशर कम हुआ उसका अनुसंधान आप कैसे करोगे? क्या क्या कारण हो सके? काला धुआं, नीला धुआं और सफ़ेद धुआं, ये क्यों निकलता है? काला धुआं, नीला धुआं और सफ़ेद धुआं, ये क्यों निकलता है? लूब ऑयल फिल्टर बदली करते समय, लूब ऑयल फिल्टर बदली करते टाइम आपका काम क्या है? और लूब ऑयल फिल्टर बदले किया, इंजन में डाल दिया, इंजन चालू कर दिया, देखता तो लूब ऑयल कम होता है, लूब ऑयल कम हो जाता है, क्यों?
इंटरनल कम्बसन इंजन जिसको आईसी इंजन बोलता है और एक्सटर्नल कम्बसन इंजन, बोले बाप रे वो एक्सटर्नल कहाँ से है, तो ये दोनों में फर्क क्या है? इंटरनल कम्बसन इंजन और एक्सटर्नल कम्बसन इंजन, ये दोनों में क्या फर्क है? जो इंटरनल कम्बसन इंजन में कौन सा इंजन आता है, अरे एक्सटर्नल कम्बसन इंजन में कौन सा इंजन आता है? स्टोक बोला तो क्या है? स्टोक बोला तो क्या चीज है? स्टोक और लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है वो क्या चीज है? स्ट्रोक क्या चीज है और लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या चीज है? ये दोनों स्ट्रोक है लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रोक क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या चीज है? आपका जहाज में गियर दिया होगा तो गियर क्यों दिया? RPM इसका फुल फॉर्म क्या है? गियर कितने किस्म का आता है, कितने टाइप का आता है? तुम्हारा जहाज का जो इंजन है उसके स्पीड, जो इंजन के स्पीड किस कौन कंट्रोल करता है, किसने कंट्रोल करता है? स्पीड का जो कंट्रोल वो कैसा होता है? फ्यूल पंप उसको काम क्या है? फ्यूल पंप का दो पार्ट का नाम बताओ, कम से कम दो पार्ट। फ्यूल पंप का दो पट का नाम बताओ। फर्स्ट क्लास ड्राइवर है हम लोग को थोड़ा पर मालूमत होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा पर मालूमत आपको नहीं होएगा तो कोई भी ऑयलर अगर जिसने काम किया बहुत दिन वो पास कर नहीं सका, पास किया नहीं, एग्जाम पे गया नहीं कोई भी कारण से, उसका घर का कारण से, कुछ भी कारण से, तो वो आपका जोड़ी में रहेगा तो आपको समझ लो खा डालेगा। हाँ जी हाँ जी करके उसका पीछे आपको घूमना पड़ेगा। इसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है, ये पाम क्या है, पाम कैसे काम करता है, पाम का अंदर क्या क्या रहता है, पार्ट क्या है, ये जानना आपको जरूरी है। और ये लाइफ टाइम, अभी नहीं सिर्फ एक बार एग्जाम दिया, ओरल एग्जाम दिया ख़त्म हो गया, नहीं लाइफ टाइम अगले आप एग्जाम देगा, अगर एग्जाम भी नहीं देगा तो किधर इंटरव्यू में जाएगा कौन सा भी, इसके लिए आपको जानना जरूरी है। फोर स्ट्रोक डीजल इंजन उसमें मैं एक स्ट्रोक कम कर दिया, बोलेगा वो भाई थ्री स्ट्रोक में चला, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन है, चार स्ट्रोक है, लेकिन चार स्ट्रोक का एक स्ट्रोक बंद करो, एक स्ट्रोक करने का नहीं, तो इंजन चलेगा या नहीं चलेगा? एक स्ट्रोक समझो बंद किया, जो पावर स्ट्रोक है नहीं वो पावर स्ट्रोक कम कर दिया मैंने, बोला नहीं एयर पावर भी बंद करो, तो इंजन चलेगा या नहीं चलेगा? वाटर कूलिंग आपके इंजन में जो होता है उसको सिस्टम, कौन सा सिस्टम में वाटर कूलिंग होता है? वाटर कूलिंग कौन सा सिस्टम में से होता है?
अभी एयर से आपको स्टार्ट करना है, पहले आप क्या क्या करोगे? हर्बल जनरेटर बैटरी से स्टार्ट करो। हर्बल जनरेटर के लिए ऑक्सिलरी जो इंजन है वो बैटरी से स्टार्ट करो। एग्जॉस्ट का एग्जॉस्ट का तुम्हारे इंजन में टेम्परेचर कितना है? एग्जॉस्ट का तुम्हारे इंजन में एग्जॉस्ट का टेम्परेचर कितना है? हेड में, हेड में रहता है इंजन का, हेड में रहता है दो पार्ट, कम से कम दो पार्ट का नाम बताओ जो हेड में रहता है, बाकी किधर नहीं है, हेड में है, इंजन का सिर पे हेड में है, दो पार्ट का नाम बताओ। टर्बो चार्जर है उसका, और एक दो नाम है, वो नाम बताओ। टर्बो चार्जर काम कैसे करता है? टर्बो चार्जर काम कैसे करता है? इंजन चालू है, आपका ऑयलर ड्यूटी करता है, इंजन चालू है, आपका ऑयलर ड्यूटी करता है, तो आपको मन में कुछ लगा और आप नीचे गए, इंजन में गया, तो आप इंजन में गया, इंजन में जाके आप पहले क्या देखोगे? फ्यूल जो है इंजेक्शन करता है, इंजेक्टर से कहाँ करता है फ्यूल इंजेक्शन, कहाँ पर होता है? ब्रिज टू इंजन रूम, ब्रिज टू इंजन रूम एक पाइप आता है, बोलने का लिए ब्रिज से, उस पाइप का नाम क्या है? उस पाइप का नाम क्या है? कूलर में, लूब ऑयल कूलर में कौन किसको ठंडा करता है? लूब ऑयल कूलर में कौन किसको ठंडा करता है? पेट्रोल इंजन, उसको एक पार्ट का नाम ऐसा बताओ जिसके बगैर पेट्रोल इंजन चलेगा ही नहीं। चालू था इंजन, झट से बंद हो गया, इंजन चालू था लेकिन झट से बंद हो गया, आपका असिस्टेंट आया, तो उसको ड्यूटी के बारे में क्या समझाओगे?
राडर का राडर, राडर जो है सुकान हाल सुकान है, जो राडर का कितना टाइप का राडर आता है, कितना किस्म का राडर आता है। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, मिलेगा अगले वीडियो में। कुछ भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में दे दीजिएगा, आपका क्वेश्चन दे दीजिएगा, अगर आपको वही क्वेश्चन दीजिएगा जो मेन इम्पोर्टेंट है, एकदम कौन सा भी हुट सुट सब क्वेश्चन दे देगा तो मेरे को फिर वीडियो करके फ़ायदा क्या है। जो आगे जो पीछे जो मैंने इतना वीडियो बनाया, जो वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, फिर भी आपको मिलेगा नहीं, या तो कुछ प्रॉब्लम को समझने में प्रॉब्लम हो, तो ही आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजिएगा। अगर आपको लास्ट पीछे का क्वेश्चन वीडियो देख के क्वेश्चन मिल जाता है तो उसमें से कर लेना, नहीं मिलता है आपको बहुत डाउटफुल आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भेज देना, मैं दे दूँगा। मेरा जो नंबर आप लोगों के पास होगा शायद 9819631432 नंबर तो आप लोगों के पास है ही, तो आप व्हाट्सएप में भेज देना, मैं आंसर दे दूँगा, मेरे से जितना होता है दे दूँगा। तो दोस्तों आज यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सबको अच्छा रहना, मन का ताकत बढ़ा के रखना, ताकि एग्जाम पे जाने का बाद आपको सर्वेयर का सामने जब बैठेगा आपको लगेगा आप एग्जाम देने को आया, आपको कोई डर नहीं।